Well, the person right now you can see on the screen is Siraj Saxena. He's an artist in the sense he's a painter, he's into ceramics, he's into writing, he's into cycling and he's into a lot of things. इनके बारे में जितना बोला जाए बहुत कम है और जानने के लिए इनकी डॉक्यूमेंटेशन आज है। सो आर्ट कीपर के तरफ से इनसे एक छोटा सा मुलाकात होगा। सो पहले इन चीज़ों को देखें एक बार। लेट्स सी दिस आर द कैटलॉग्स ऑफ हिज वेरियस सोलो एग्जीबिशंस। एंड दिस आर द बुक्स, पब्लिश बुक्स जो इनका किताब हैं, हिंदी में हैं। सिराज जी नमस्कार। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप जोमेन? बिल्कुल ठीक। आपके बारे में आप खुद ही बताएं। जी, अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है महू। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट कहते हैं उसको, लेकिन महू जहाँ पर अंबेडकर जी का भी जन्म हुआ था, वहीं आर्मी अस्पताल में मेरा जन्म हुआ क्योंकि मेरे फादर उस वक्त शायद वहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग्स वगैरह भी वहीं पे होता है। जी जी हाँ, तो वो मेरे फादर उस वक्त आर्मी में ही थे। अच्छा अच्छा, इसलिए मेरा जन्म आर्मी हॉस्पिटल में हुआ है। ओके। और फिर उसके बाद में स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई इंदौर शहर में हुई है। ओके। वहीं पर मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है। ओके। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से। ओके। और फिर उसके बाद भारत भवन भोपाल चले गए पढ़ाई के बाद। ओके। और वहाँ पर फिर मुझे मेरी शिक्षा तो पेंटिंग में हुई है। हाँ। लेकिन फिर मैंने वहाँ ग्राफिक और सिरेमिक्स दो नए माध्यम देखे। ओके। तो मेरा झुकाव सिरेमिक्स की तरफ अधिक रहा। मैंने फिर अपने एक्सप्रेशन के लिए सिरेमिक्स को सीखना शुरू किया जी। फिर वहीं से 97 में मुझे जापान जाने का मौका मिला, इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑफ सिरेमिक आर्ट्स इन टोकोना में। ओके, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्कशॉप होता है इंटरनेशनल सिरेमिक्स आर्ट का। और जब मैं गया था 97 में, उस वक्त मेरी आयु सिर्फ 23 साल की थी। ओके, और उस वक्त मैं सबसे छोटा पार्टिसिपेंट था वहाँ। बाकी उसमें 40 कंट्रीज़ के 55 लोग आए थे आर्टिस्ट, कनाडा से, अमेरिका से और मतलब चाइना से, काफ़ी जगह से आए थे। तो वहाँ पर मैंने सिरेमिक्स बाकी जो दूसरे आर्टिस्टों को करते हुए स्टूडियो में देखा, वहाँ से मेरा काफ़ी सीखने को मुझे मिला। वहाँ से आपको प्रोत्साहन मिला कि ग्लेजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग के कितने तरीके होते हैं, और क्ले कितनी प्रकार की होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है, और कितनी विधियाँ हैं जो पकाने की विधियाँ हैं, अनागामा, नोबोडीगामा, इलेक्ट्रिकल, गैस किल, वुड फायरिंग, इतनी सब चीज़ें देखी। वहाँ बर्नार्ड लीच सारे अलग अलग टेक्निक, सारे अलग अलग जी। तो बर्नार्ड लीच के भी स्टूडियो वहाँ गए थे हम, उनका जो प्रभाव था जापानी कला का वो भी वहाँ देखा। और एक वहाँ के बड़े प्रसिद्ध कलाकार थे ईदा सोइची, वो अब नहीं रहे, लेकिन वो मल्टी फैसिनेटेड आर्टिस्ट थे। वो पेंटर थे, वो ग्राफिक आर्टिस्ट थे, वो सिरेमिक आर्टिस्ट थे, वो असेंबलेज करते थे, कोलाज करते थे, पेपर मेकिंग करते थे। तो वो हमेशा दिन भर, एक महीने में उनके साथ क्योतो में उनके स्टूडियो रहा। उनका स्टूडियो गिंकाकुजी टेम्पल के ऊपर जो पहाड़ है वहाँ था। और क्योतो एक बड़ा ही सांस्कृतिक नगर है, तो उनके साथ मैंने क्योतो को देखा और उनके काम करने के तरीके को भी देखा। तो कितना सुबह से शाम तक वो कितना कुछ बिता पाए आप उनके साथ? कितना? मैं एक महीना उनके साथ रहा। टोटल मेरा स्टे था 3 महीने का, और ये मेरी पहली विदेश यात्रा थी। ओके, तो वो सुबह पेपर मेकिंग करते थे, दोपहर में सिरेमिक्स करते थे, फिर शाम को अपने एचिंग प्लेट्स तैयार करते थे। और फिर घूमने जाते थे, और उनका जो रहन सहन, और पूरा 24 घंटे में वो कला के किसी न किसी माध्यम के साथ जुड़े रहते थे। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि वही एक प्रभाव है जो मैं भी अपने जीवन में अलग अलग माध्यम में आप भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में आप काम कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने पेंटिंग ऑन कैनवस, पेंटिंग ऑन पेपर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, ये किया है। और उसके अलावा सिरेमिक्स, स्टोनवेयर, पोर्सलिन, टेराकोटा, ये मिट्टी में काम किया है। उसके अलावा मेटल में काम किया है। तो मेरा मेटल में अभी एक कुछ साल पहले सूरत नगर निगम ने एक अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला शिविर किया था, जिसमें उन्होंने स्क्रैप आर्टिस्टों को प्रोवाइड किए थे। और वहाँ पर मेरा काम किसी एक चौराहे पर या पब्लिक स्पेस पे लगा हुआ है सूरत में। वुड में काम किया। पोलैंड में जब मैं गया तो मुझे वहाँ वुड आर्ट स्कल्पचर स्टूडियो में काम करने का मौका मिला। तो मैंने वहाँ वुडन स्कल्पचर्स बनाए, 20-20 फीट के ऊंचे स्कल्पचर्स बनाए। और टेक्सटाइल से मेरा फैसिनेशन इंदौर से ही रहा। तो हमारी एक इंदौर में फ्रेंड थी साधना ग्यास, उनका एक बुटीक था। तो उनके बुटीक में मैं अक्सर जाकर बैठा करता था, क्योंकि इंदौर शहर में वो एक जगह थी जहाँ पर कला की जगह थी, कला की बात होती थी, और उनका भी एक कला के प्रति झुकाव था। वो खुद भी पेंटर हैं। तो उनके यहाँ ऑर्गेनिक डाइज और डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, खादी, कॉटन्स, ये सब वहाँ कतरन पड़ी रहती थी उनके स्टूडियो में। अच्छा। और मैं वहाँ खाली समय बैठकर उन कतरनों को जोड़ तोड़ कर कुछ तो खेलने का मौका मिला। वहाँ से फिर मेरा टेक्सटाइल के प्रति झुकाव बढ़ा, और मैंने इसमें काफ़ी 20-25 फीट लंबे भी काम किए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए हैं। मतलब आपने उन चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, और उसके ऊपर काम करने के लिए आपको हमेशा एक प्रोत्साहन मिला। जी। अब जैसे देखिए कि मैं जब भोपाल गया था 94-95 में पहली दफ़ा, तो वहाँ ग्राफिक का भी एक ऑप्शन था। मैं 5 साल रहा वहाँ, लेकिन ग्राफिक करने का कभी मन नहीं हुआ मुझे। हमेशा सिरेमिक के प्रति ही आकर्षण रहता था। पूरा समय हम 4-5 साल वहीं रहे। लेकिन 2015 में सर्बिया में मुझे जाना पड़ा 3 महीने के लिए। वहाँ मेरे 2 सोलो एग्जीबिशंस थे। तो वहाँ पर येलेना बेलिच एक युवा आर्टिस्ट हैं, उनके ग्राफिक स्टूडियो में जाने का तो जब सर्बिया जाने का मौका मिला, मेरी वहाँ 2 एकल प्रदर्शनी थी नोविसाद में और शाबाश शहर में। ओके, 3 महीने वहाँ रहा। मुझे वहाँ येलिना बेलित्सा, वहाँ की नोविसाद शहर की एक जानी मानी सेरेमिक आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं जी, तो उनके स्टूडियो गया मैं, तो वो अपना काम कर रही थी और उन्होंने कहा तुम भी कुछ करो। अच्छा। उन्होंने मुझे एक छोटी सी जिंक की प्लेट 5 बाई 6 इंचेस की मुझे दी और उन्होंने कहा कि देखो मैं इस पर कोटिंग कर देती हूँ, तुमको ड्राइंग करना है और फिर उसके बाद हम एच कर लेंगे और तुम चाहोगे तो उसके प्रिंट भी निकाल देंगे। तो मुझे बड़ा इतना अच्छा आमंत्रण लगा, तो मैंने तुरंत ही प्लेट तैयार की और उन्होंने भी बिल्कुल उत्साह के साथ उसके प्रिंट्स लिए और वो पहले प्रिंट मैंने अपनी सर्बिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए थे। अच्छा, और उनको भी एग्जिबिट किया था आपने? हाँ। अच्छा। 2 दिन बाद ही मेरी शो की ओपनिंग थी। अरे वाह। तो वो शो, वो ग्राफिक मेरा पहला जो प्रिंट था वो भी उस प्रदर्शनी का हिस्सा रहा। ओके। और फिर जब यहाँ आकर जब मैं अपने घर वापस आया तो यहाँ भी हमारे मित्र हैं चंदन बेज बरुआ, वो हमारे पड़ोसी भी हैं। हाँ हाँ। तो उनसे मैंने कहा कि यार मुझे भी करना है, वो भी बड़े एक मजे हुए ग्राफिक कलाकार हैं। हाँ हाँ। तो उनको मैंने अपना गुरु बनाया। अच्छा। है, हालांकि हम दोस्त थी, लेकिन उन्होंने फिर अपने स्टूडियो में फिर प्रेस का बंदोबस्त किया और फिर वुड कट, एचिंग, ड्राई पॉइंट, सारी चीज़ें मुझे बताई और उनके मार्गदर्शन में मैं करता हूँ। और उसके बाद फिर 2018 में मैंने अपनी ग्राफिक आर्ट का सोलो एग्जीबिशन भी यहाँ इंदौर शहर में किया। अरे वाह। और कई अच्छे कलेक्शंस में भी मेरे ग्राफिक आर्ट हैं और 2-3 इंटरनेशनल ट्रिनाले और बिनाले में भी मैं अपने ग्राफिक आर्ट्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। अरे वाह। सिराज जी, आप एक चीज़ बताएं, आर्टिस्ट ही क्यों बनना चाहते थे आप? वाई यू वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट? कुछ और क्यों नहीं? इसका कारण तो कुछ कारण हैं उसका। जैसे मैंने अपनी ये जो मेरी पहली किताब है, हाँ हाँ, इसमें इस प्रश्न का बहुत ही विस्तार से जवाब दिया है। ओके। लेकिन आपको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। जी जी जी। कि आर्ट एंड क्राफ्ट का जो पहला असर मेरे जीवन में रहा वो मेरी अपनी माँ से के साथ मेरा काफ़ी नज़दीकी संबंध रहा है। ओके। तो वो घर में आटे से कई चीज़ें अलग अलग तरह के शेप और उसको फ्राई करती थी तो शेप का रंग बदलता था और वो स्वेटर बुनती थी, ये सब था। तो वो मुझे एक अच्छा लगा। ओके। उससे मैं भी कुछ कागज़ या जो रस्सियाँ या आसपास का जो मटेरियल है उससे कुछ ना कुछ बनाया करता था। जी। मैंने अपने बचपन में क्रिकेट उतना नहीं खेला जितना इस तरह की क्राफ्ट चीज़ों से खेला है। मेरे मित्रों की बहनों के साथ में मैं सीखता रहता था कुछ। हाँ हाँ। रिबन से कुछ बनाती थी तो वो मैं उनसे सीख लेता था, माचिस की डब्बी से कुछ वो बनाती थी, घर का हैंगिंग, वॉल हैंगिंग। हाँ हाँ। वो सीख लिया करता था। ओके। तो और फिर जब स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई, हाँ हाँ, वो समय आया जब मुझे कोई एक विषय चुनना था कि जो कि मेरा भविष्य फिर उसी विषय के आसपास इर्द गिर्द रहेगा। जी जी जी। तो वो मैं बड़ा कंफ्यूज था क्योंकि हमारी फैमिली में या तो इंजीनियर्स लोग बनने की कोशिश किया करते रहे हैं या डॉक्टर्स बनते हैं जी, या कोई दूसरा प्रोफेशनल वो लेते थे। हिंदुस्तान में ज़्यादातर यही हाल है। वो दो तीन लिमिटेड ऑप्शंस थे जी जी जी। लेकिन सौभाग्यवश मुझे फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक कॉलेज का भी उसी दौरान पता लगा और मैंने दोनों जगह अप्लाई किया था और मेरा एडमिशन फाइन आर्ट्स में हो गया। कौन सा साल? ये 1996 में मैंने कम्प्लीट किया है, 92 उस वक्त 5 साल का हुआ करता था। हाँ 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 हाँ, बैचलर डिग्री कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से फिर वो 5 साल इतने कला में रहे, उन्माद युवा भी थे और दिन भर कॉलेज के बाद से रेलवे स्टेशन पर या दूसरे पब्लिक स्पेस पे ड्राइंग कर रहे हैं, कहीं लैंडस्केप के लिए आसपास के गाँवों में जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो लगा कि यार ये जीवन जीने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि डर के दिस विल नॉट बी अ वेरी सेटल लाइफ, दिस फुल ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि इसमें एक अनसर्टिनिटी है, इसमें बहुत सारा सैक्रिफाइस है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप निकलने के बाद ही आपको 9 to 5 का जॉब मिल जाए या आपका एक फिक्स सैलरी हो, क्योंकि हर आर्टिस्ट का ये रहता है। जी जी जी। तो कभी इन चीज़ों को आपने सोचा नहीं या इनसे कभी आपको डर नहीं लगा? नहीं, देखिए इसमें मतलब माता पिता के मन में ज़रूर था कि ये किस तरह का जॉब करेगा या किस तरह से ये अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करेगा जी, और मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेके चिंता नहीं थी। ओके। मुझे लगा कि यार ये जो पैसा जो कमाया जाता है, जो दूसरे प्रोफेशन के लोग 10 to 5 या जिस तरह का भी जो काम करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इत्यादि इत्यादि जी, तो वो एक समय अपना देते हैं और फिर उसके बाद में उस 1 तारीख को 2 तारीख को उनको कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो पूरा महीने भर अपना खाना पीना, रहना, घूमना, मेंटेनेंस ये सब करते हैं जी। तो इसमें उनका पैसा खर्च होता है। बिल्कुल। तो हम पैसा इसलिए कमाते हैं कि ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, भौतिक ज़रूरतें हैं, खाने की ज़रूरतें हैं, पहनने की ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमें पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो वो मैंने शुरू से ही उसको लिमिटेड रखा है। ओके। कि हमारे पास कभी भी अतिरिक्त कुछ ना हो। तो जैसे भोजन है तो वो भोजन भी लिमिटेड और सादा और होममेड हो तो ज़्यादा हेल्दी भी है और वो कम खर्चीला भी है। बिल्कुल। कपड़े भी ऐसे हों, साधारण हों जी जी, और ज़्यादा फैंसी ब्रांड्स के ना हों, देसी हों, और तो इस लाइफस्टाइल भी छोटे घर में ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हो जाती है और हैप्पी भी रहती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया, लेकिन ये चुनाव था। बिल्कुल। इसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, दिस वाज माय वे ऑफ लिविंग। बिल्कुल। दिस इज अ स्टाइल ऑफ लिविंग, एवरीबॉडी हैज़ टू लिव ऑन दिस अर्थ। जो भी पैदा हुआ है उसको यहाँ रहना है और किसी न किसी काम में या किसी न किसी कर्म में लिप्त रहना है। एब्सोल्युटली। आई डिसाइडेड माई सेल्फ टू बी इन आर्ट फील्ड, आइदर आई शुड पेंट, आइदर आई शुड व्हाटएवर इट टेक्स, यू हैव टू बी देयर। यस यस। तो वो कर्म है मेरा जो मैं उस पर करता हूँ और बाकी भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है जी जी। डेली सुबह उठ के स्टूडियो में काम करना एक चैलेंज है, तो आपको क्या इंस्पायर करता है कि एवरी मॉर्निंग यू जस्ट गेट अप एंड यू स्टार्ट वर्किंग, सो व्हाट इंस्पायर्स यू? इज देयर एनी पर्टिकुलर एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर यू नो थीम और एनी काइंड ऑफ एनी पर्टिकुलर, आई डोंट नो, इवन एज एन आर्टिस्ट आई बिलीव दैट कुछ है अजीब सा होना चाहिए जहाँ पे आपको एक कोई पुश करे अंदर से कि हाँ काम किया जाए, नहीं तो करेंगे क्यों? देखिए इसमें ये है कि एवरीबडी इफ़ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इफ देयर इज़ नो अदर पेंडिंग वर्क विच आई लेफ्ट यस्टरडे, देन इट्स अ न्यू ओपनिंग इन अ न्यू मॉर्निंग, राइट? देन आई लेट माई डे ओपन एंड डू वॉट एवर आई फील। ओके। रीडिंग ऑल्सो इज art practice for me. Okay. Writing also art practice for me. Okay. You know, making house cleaning is also art practice for me. Putting things on a right place, dusting everything in a neatly and nice way is also a practice of art for me. Art, right. वो नहीं है कि सिर्फ आप canvas के सामने बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। अगर कुछ pending काम है, जो चित्र अधूरा रह गया है, तो उठते ही सबसे पहले हम अपने चित्र के पास जाना पसंद करते हैं। ओके। और तो इस तरह का कोई दबाव नहीं रहता मेरे मन में, तो ये प्रेशर नहीं है कि आपको डेली सुबह उठ के पेंट करना है। ओके। वो एक स्वच्छंद मन जब तय करता है वो उस वक्त पेंटिंग करने लगते हैं, सिरेमिक्स करने लगते हैं या कुछ अपनी ग्राफिक की प्लेट बनाने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं। जी सूरज जी, सवाल ये भी है कि काफ़ी लोग आज कहते हैं कि हम सेल्फ टॉट हैं, वी आर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट एंड वी डोंट नीड टू हैव ए फॉर्मल एजुकेशन इन आर्ट। व्हाट इज़ योर बिलीफ? आर्ट एजुकेशन को आज के दौर में जी कुछ लोग जो दूसरे विषय होते हैं उससे थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि भाई आर्ट एजुकेशन हो जाएगा तो फलाना पैकेज मिलेगा और ये होगा वो होगा। मतलब हम किसी भी फील्ड के एजुकेशन की बात करें तो अल्टीमेटली बात एक पैकेज पे ख़त्म होती है कि भाई इंजीनियर में है या फिर केमिकल में जा रहा है, बायोलॉजी में, किसी भी मीडिया में है या। लेकिन आर्ट एजुकेशन मेरे लिए ये पूरा एक जीवन शैली को तय करने वाली बात है। तो आर्ट एजुकेशन मेरे हिसाब से एक जीवन को किस तरह से जिया जाए जो हमें एक स्पेस और टाइम मिला हुआ है जी, उस संदर्भ में देखना चाहिए बजाय कि ये पैकेज और उसमें सीमित करने के। कला एक जीवन दृष्टि को भी नरिश करती है। तो क्या ये जरूरी है? जीवन दृष्टि नहीं है तो उसको वो जीवन दृष्टि प्रदान भी करती है। बिल्कुल। तो लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आप पैकेज या 10 to 5 मैं उसके लिए तो सोच ही नहीं रहा हूँ। बट क्या एक इंसान को आर्ट एजुकेशन लेना चाहिए? मतलब 4 साल लेना चाहिए भाई। आर्ट एजुकेशन लेने में तो अच्छा ही है क्योंकि आर्ट एजुकेशन आपको स्किल सिखाती है, बिल्कुल आपको क्राफ्ट सिखाती है और दोनों चीज़ें तभी संभव है जब आपके भीतर कुछ पैशन हो, आपके अंदर धैर्य हो और अच्छा अमाउंट ऑफ धैर्य होना चाहिए। तो कुछ आप सीखेंगे, कुछ हुनर सीखेंगे, बिल्कुल आप भले कुछ भी करें तो उसमें काम आएगा वो हुनर। आप भले कुकिंग करें या घर का काम करें या फिर किसी दूसरे प्रोफेशन में भी जाएंगे आर्ट एजुकेशन के बाद, बिल्कुल तो आपका बर्ताव बाकी लोगों से अलग होगा। आपके भीतर जो एस्थेटिक वैल्यूज आर्ट एजुकेशन के माध्यम से बनी है जी वो आपके व्यवहार में नजर आएंगे। एब्सोल्युटली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। एब्सोल्युटली। ड्राइंग को हम लोग एज ए मीडियम बहुत इग्नोर करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। इवन गैलरीज ऑल्सो दे डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू ड्राइंग बिकॉज दे से कि इट विल नॉट फेच मच प्राइस, ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगा, ड्राइंग करके कुछ नहीं होगा। आपके लिए ड्राइंग कितना इम्पोर्टेंट है? क्या आप स्केच बुक रखना पसंद करते हैं? ड्राइंग को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं आप? देखिए ये ड्राइंग जो है ना वो किसी भी चीज़ का फाउंडेशन होता है जी। ड्राइंग के बाद ही आप या तो आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, स्कल्पचर बन सकते हैं या किसी दूसरे विजुअल मीडियम्स में आप जा सकते हैं। वो एक फाउंडेशन है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप उसमें 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बना लीजिए, फाउंडेशन बिल्कुल खड़ा रहेगा। अगर वो फाउंडेशन आपकी वीक है तो फिर आगे जाके वो शैटर हो सकता है। तो ड्राइंग जो है वो एक तरह का, जैसे हमारे बॉडी में धमनियों में ब्लड सर्कुलेट होता है, ड्राइंग के माध्यम से वो लाइन हमारे भीतर बनी रहती है। ओके। वो बहुत ज़रूरी है। मैं भी अभी खजराओ की ड्राइंग्स, मैं खजराओ बहुत जाना पसंद करता हूँ। मेरी अभी नई किताब खजराओ के ड्राइंग्स के ऊपर ही है। ओके। जो मैंने वहाँ इंस्टेंट ड्राइंग्स किए हैं उसकी किताब जल्दी ही आने वाली है। ओके। और आर्ट एजुकेशन के बारे में मुझे स्वामीनाथन जी का एक कोट भी बड़ा याद आता है और वो मैंने जब मैं सेकेंड ईयर में था अपने कॉलेज में तब पढ़ा था। आर्ट एजुकेशन के बारे में उनका सोचना था कि पेंटिंग इज़ वन थिंग एंड पिक्चर मेकिंग इज़ अनदर। ओके। पिक्चर मेकिंग यू कैन लर्न बट पेंटिंग मस्ट बी इन यू टू कम आउट। लेकिन ये कब कहा उन्होंने? जब पूरी एक आर्ट एजुकेशन और कला के पूरे अच्छे गंभीर व्यवहार से गुजरने के बाद उन्होंने ये कहा, खुद की जर्नी होने के बाद। उनके पास एक अपना स्किल था, वो उस वक्त रोलर और किस तरह से पेंट करते थे, वो पूरा एक टेक्निक आर्ट एजुकेशन उनकी अपनी तरह की एक आर्ट एजुकेशन थी। उसके बाद में उन्होंने जब ये कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली आर्ट एजुकेशन देखी होगी तब शायद उससे थोड़ा सा खिन्न होकर उन्होंने ये वाक्य कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके पेंटिंग्स के ज़्यादातर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? क्या सब्जेक्ट मैटर पे आप ध्यान देते हैं या वैसे ही आप पेंटिंग को जैसे स्पॉन्टेनिटी में काम करना चाहते करते हैं, या आप किसी विषय को उठाना लाइक इट्स कंटेंट बेस्ड और इट्स टॉपिक बेस्ड, सपोज ऑन फार्मर्स, सपोज ऑन वीमेन, सपोज ऑन एनी अदर थिंग, टेररिज्म, व्हाटएवर इज देयर, सो डज इट इंस्पायर्स यू टू पेंट और यू जस्ट paints on your own, like on? Actually, my paintings are not followed by any subject or theme. Okay. I believe that my paintings create their own subjects and theme. Right. मतलब terrorism, women, social issues पे painting बनाना मेरे लिए मतलब this is the difference between poster and a painting. Okay. Okay. आप मेरी abstract painting में भी आप अगर गौर से देखेंगे तो उसमें social issues दिखेंगे, उसमें environmental की चीज़ें आपको दिखेंगी, उसमें women और कई सारी चीज़ें देखेंगे. Okay. लेकिन वो हम सीधे सीधी बात करने के आपका तरीका अलग, आपका तरीका एक अलग हो गया. But this is the difference between Bollywood song and a classical बंदिश. Right, right, right. तो ये इसमें मामले में मेरा बड़ा क्लियर है. Okay. So आपका जो एब्स्ट्रक्ट एक फॉर्म है उस एब्स्ट्रक्शन के लिए आप कब इसके तरफ आप झुका हुआ, कब आप गए? मतलब it's from the beginning you have been working on an abstract form, or you started with a figurative thing and then you developed into an abstract artist? देखिए, जब कॉलेज में थे तब तो हर तरह का काम हमें करना होता था जी. हमें वो मिनीचर आर्ट की कॉपी भी करनी होती थी, बिल्कुल, और बिल्कुल. वो वेस्टर्न मास्टर्स की भी कॉपी करनी होती थी, नेचर भी करना होता था, लैंडस्केप भी करना होता था, और वो लाइफ स्टडी भी करनी होती थी जिसमें कोई स्त्री पुरुष बैठा होता है सामने, उसको ड्राइंग करना होता है, बिल्कुल. तो वो सब करने पर ये समझ में आ गया था कि ये जो दिख रहा है उसे बनाना और जो महसूस हो रहा है उसे बनाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है. ओके. और मज़ा जो महसूस होता है उसे बनाने में अधिक आता है. तो जो दिख रहा है वो तो है ही. मैं जैसे आपका पोर्ट्रेट बनाऊंगा लेकिन उसमें चाहते भी आपका वो एहसास नहीं ला सकता हूँ. आपकी बहुत ही 10% 5% कॉपी होगी और वो शायद फोटोग्राफ ज़्यादा बेहतर कर पाए. तो जब फोटो कैमरा है हमारे पास तो फिर उस तरफ क्यों जाए? कैमरा महसूस नहीं करता है. right. तो वो महसूस हम करते हैं, वो पेड़ को देखकर या आपको देखकर कुछ महसूस करते हुए जो मैं कुछ बनाऊंगा वो मेरा वे ऑफ वर्किंग है जी. आपको कभी लगा कि गैलरीज पे डिपेंडेंट होना ज़रूरी है या गैलरीज आर ए मस्ट फॉर एन आर्टिस्ट? व्हाट डू थिंक अबाउट दैट? मतलब क्या गैलरी सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी है एक आर्टिस्ट को? जैसे कॉलेज से पास आउट होते हैं यंग ग्रेजुएट होते ही गैलरीज के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं. क्या ये ज़रूरी है? गैलरी का सपोर्ट ज़रूरी है एक आर्टिस्ट को बनने के लिए आर्टिस्ट, या आर्टिस्ट को खुद ही कोशिश करनी चाहिए, उसके अंदर खुद की अपनी ताकत होनी चाहिए जहाँ वो बिना गैलरी की तरफ झुकाव दिए अपना काम कर सके? देखिए, जब कॉलेज से या सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी जब ये चुनता है कि भाई मुझे अब लाइफ लॉन्ग यही करना है जी, तो इस बात पर वो कितना स्थायी और अटर्ड है, क्योंकि उसको सारे जोखिम भी पता होने चाहिए. जब ये वो कह रहा है कि आई डिसाइडेड एंड आई डिटरमाइन माई सेल्फ टू सी एज एन आर्टिस्ट इन माई फ्यूचर लाइफ, राइट, तो उसमें गैलरी इज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ योर आर्टिस्टिक जर्नी. ओके. और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. गैलरी वही दिखाएगी अपने कलाकारों का काम दिखाएगी. बट समटाइम्स गैलरीज ट्राई टू गाइड यू द वे दे वांट टू. मतलब वो अपनी चीज़ें आप पे थोपते हैं, कि अपनी सोच आप पे ऊपर डाल देते हैं, जहाँ पे आर्टिस्ट फिर अपनी सोच नहीं रख पाता है. हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है लेकिन मेरा अनुभव में नहीं है ऐसा. okay. मैंने भी कई सोलो शोज किए हैं दिल्ली की प्राइवेट गैलरीज के साथ, बैंगलोर की प्राइवेट गैलरीज के साथ, कलकत्ता में किए हैं और विदेशों में भी किए हैं जी. लेकिन वहाँ पूरी स्वतंत्रता के साथ किए हैं. जो काम आप अपने तरह के काम, वो मैं काम दिखाता हूँ, और जो हमारे ऊपर अगर ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है जी, तो मेरे अलावा भी कोई आर्टिस्ट होगा तो वो अपना बेस्ट ही करेगा. बिल्कुल. तो बिल्कुल. ये आर्टिस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है, उसके ऊपर पास में कितनी खाली जगह है जिसमें वो गैलरी को भी जगह दे सके. जी जी. हमारे पास तो पूरी एक भरी हुई चीज़ है कि हम गैलरी को दे सकते हैं कि दिस इज़ वॉट वी डू एंड यू मस्ट शोकेस दिस, राइट. सिराज जी, आप बाहर बहुत जगह घूम चुके हैं, आर्ट के विषय में आप जा चुके हैं, वहाँ पे आर्ट कैंप्स, रेसिडेंसीज, एग्जीबिशंस, यू मस्ट हैव सीन देयर म्यूज़ियम्स ऑल्सो. उनके म्यूज़ियम्स भी हैं. आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ पे भारत में जो म्यूज़ियम्स हैं कुछ ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्या हमें और म्यूज़ियम्स की ज़रूरत है? हमारे यहाँ के म्यूज़ियम्स के साथ कंपेरेटिवली वहाँ के म्यूज़ियम्स को आप कहाँ पाते हैं? जैसे आप सिरामिक्स भी करते हैं, आपका पेंटिंग है, सिरामिक्स हैं, आपके राइटिंग्स भी हैं, आपके बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स के काम करते हैं. लेकिन इतने सारे इस तरह के म्यूज़ियम्स नहीं हैं, और म्यूज़ियम्स भी अगर हैं तो हमारे पास सिर्फ नेशनल म्यूज़ियम, कुछ एनजीएमए के पास अपनी कलेक्शन और कुछ बॉम्बे में कुछ जगह पे कलेक्शन, बस वही। कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का कोई भी म्यूज़ियम या कलेक्शंस किरण नादर को छोड़ के, किरण नादर म्यूज़ियम जो आपके यहाँ पे नोएडा में है, इसको छोड़ के बहुत सारे तो हैं नहीं। आपको क्या लगता है कि इंडिया शुड हैव मोर म्यूज़ियम्स एंड? मुझे ये लगता है कि अपना जो देश है वो अपने आप में एक विशाल म्यूज़ियम है। तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह के खान पान हैं, तरह तरह के बर्तन हैं, तरह तरह की रसोई हैं, तरह तरह के परिधान हैं, तरह तरह के रंग हैं त्वचा के, तरह तरह की प्राकृतिक चीज़ें हैं। और ये जो म्यूज़ियम का कॉन्सेप्ट है ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में आया है। और जो भी हमारे अभी म्यूज़ियम है वो अधिकतर उसी दौरान बने हैं या उसी विचारधारा से बने हैं, लेकिन इस हमारे समाज ने उसका स्वीकार नहीं किया है। लेकिन क्राफ्ट म्यूजियम भी है जो दिल्ली में बहुत ही अनोखा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्राफ्ट म्यूजियम का अगर आप देखेंगे बहुत अनोखा बड़ा भव्य म्यूजियम है, उसमें आपको पूरे देश की ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन हमारी आर्ट एजुकेशन का हिस्सा नहीं बन पाया। बिल्कुल, तो इस वजह से क्या है कि लोगों के व्यवहार में ये शामिल नहीं हो पाया और उनकी अनिवार्यता, बच्चों को वहाँ पे जाके ले जाना कोई पसंद तो करता नहीं। म्यूजियम विजिट करने का महत्व जी हर परिवार के होना चाहिए, हर परिवार के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, आप देखेंगे कि लोग एम्यूजमेंट पार्क ज़्यादा ले जाते हैं अपने बच्चों को, म्यूजियम में कितने बच्चे जाते हैं। वो भी स्कूल की टिप्स जाती हैं, वो भी एक फॉर्मल होती हैं, वो लंच टिफिन करके वापस आ जाती है। बिल्कुल, तो म्यूज़ियम तो होना ही चाहिए। और वहीं दूसरी ओर जैसे मैं यूरोप के 6-7 कंट्रीज़ में गया हूँ, पोलैंड में गया हूँ, सर्बिया में गया हूँ, लातविया, लिथुआनिया, सर्बिया, यूक्रेन, और दूसरी तरफ आप देखें थाईलैंड में, देखिए आप नए नए म्यूजियम बन रहे हैं। चाइना में देखिए आप, चाइना में नए शहर बन रहे हैं जी, और हर शहर में कला गतिविधियों के लिए बहुत ही अच्छे स्थान निर्मित कर रहे हैं। बिल्कुल, थिएटर बना रहे हैं, लाइब्रेरीज बना रहे हैं, म्यूजियम्स बना रहे हैं, आर्ट कॉलेजेस बना रहे हैं जी, सब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक कला और संस्कृति बढ़ेगी नहीं तो वो बचेगी नहीं, और जब तक और उसके अलावा सिविलाइजेशन का कोई अर्थ नहीं बचता है। बिल्कुल, तो म्यूज़ियम हमारे पास जो हैं अगर हम उन्हीं को ही अच्छे से संभाल लें तो ही बहुत बड़ी बात होगी। और हमारे यहाँ तो इतने म्यूज़ियम्स बनने चाहिए। अब यूरोप में देखिए पोलैंड का एक छोटा सा शहर है बोलेस्लावियत्स, बहुत छोटा सा शहर है। ओके, वहाँ पर 3 म्यूज़ियम है, एक छोटे शहर में 3। हाँ, एक छोटे शहर में 3 म्यूज़ियम है, सिरेमिक्स का अलग, पेंटिंग्स का अलग और दूसरी ज्योग्राफी चीज़ों का अलग। और हमारे यहाँ तो कितने अच्छे, मतलब हमारे यहाँ लैंग्वेज के मामले में आप देखिए हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे, जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश में कहीं और नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ इतने इतने अच्छे पोएट, थिंकर, राइटर्स, नॉवेलिस्ट हुए हैं। बिल्कुल, और जो अब नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनका लेखन हमारे बीच में है। अब हम चाहें कि भाई उनका जगह देखकर आए कि वो कैसे रहते थे, किस पेन से लिखते थे, कैसी उनकी खाने की टेबल थी, क्या कपड़े पहनते थे जी। अब मुंशी प्रेमचंद्र जी का अगर देखना चाहें तो कहाँ आप देखने जाएंगे, कोई म्यूजियम है ही नहीं, जबकि अपने आप में वो एक कल्ट है। और ऐसे बहुत सारे कितने महान महान हमारे यहाँ लेखक हुए हैं, चित्रकार हुए हैं। हमारे यहाँ पे कोई किसी चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन करके रखना हमारे, और कितनी बड़ी बात है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के पास पास ऑन करने का है ही नहीं कुछ। बिल्कुल भी। और हमारे अग्रज हुसैन साहब जी, उन्होंने अपने लेवल पर तीन शहरों में मकबूल फिदा हुसैन जी, जिनके पास में क्या ऊर्जा और क्या गति थी। बिल्कुल, और हिंदुस्तान की कला को उन्होंने कितने शीर्ष पर पहुँचाया है। बिल्कुल, उन्होंने अपने निजी स्तर पर 3 म्यूजियम्स बनाए थे, लेकिन वो भी हुसैन का गुफा, हाँ, ना वो हमारा समाज संभाल पाया उसको, ना शासन संभाल पाया। एक शायद वहाँ फरीदाबाद में भी उन्होंने बनाया था छोटा सा, लेकिन उसको भी शट डाउन कर दिया गया था। वो भी बंद हो चुका, वो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। म्यूजियम का महत्व कलाकार आप देखिए ना, हुसैन साहब भी समझते थे, आज भी देखिए आप। तो अब निजी म्यूजियम भी बन रहे हैं और उसमें कितना पब्लिक का एक्सेस होता है, कितना वो फुल उसके रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल, वो भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन म्यूज़ियम का होना ज़रूरी है। हम अपनी चीज़ों को बचा के रखेंगे कहाँ? हम सिर्फ अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वी बिलोंग टू इंडिया, इट्स नॉट इनफ नाउ। नो, आप भारत के रहने वाले हैं, आपकी एक लंबी संस्कृति परंपरा रही है, आपके पास में खेती के भी बहुत अच्छी एक ज्ञान है जी, और सिविलाइजेशन का, लैंग्वेजेस का, म्यूज़िक का, इतना भंडार है यहाँ जी। लेकिन उस ये सिर्फ बोलने से और इसको गौरवान्वित होने से काम नहीं चलेगा। उसको हमने 70-80 सालों में क्या हमने उसको प्रिजर्व किया है, क्या हम उसको एक अच्छा आर्काइव बना पाए हैं, क्या हम अपनी नई पीढ़ी को दिखा सकते हैं कि किस तरह का काम हुआ। मतलब उससे बढ़िया तो वो शैल गुफाएं लगती हैं अम्बेडकर की। बिल्कुल, वो तो आज भी हैं, सुरक्षित हैं, आज भी सुरक्षित हैं, इसीलिए हैं क्योंकि वो हमारे नागरिकों से बची हुई हैं, दूर हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं तो वहाँ भी प्लॉटिंग हो जाती, नहीं तो वहाँ भी प्लॉटिंग हो जाती, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन कर देता, वो भी फनी हो जाता। हाँ, लेकिन देखिए आप, उन्होंने भी म्यूजियम बनाया ना अपना, अपनी पूरी डेली लाइफ डायरी लिखी उन्होंने। बिल्कुल, जितनी डायरी है वो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है, एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन किया। जानवरों का वो शिकार करते थे, किस तरह से नृत्य करते थे, कौन से औजारों का इस्तेमाल करते थे, वो एक म्यूजियम ही तो है। बिल्कुल, इट्स इन अ फॉर्म ऑफ आर्ट गैलरी मेड बाय द प्रिमिटिव पीपल 3000 ईयर्स बैक, 2000 ईयर्स बैक। एब्सोल्युटली। एंड आज के हम जो आधुनिक नागरिक होने का गर्व करते हैं, हम सिर्फ भोगना जानते हैं, बचाना और उसको सहेजना नहीं जानते। आज हमारे पास में कई सारी तकनीकें हैं, हम एक घंटे में 50 मीटर ज़मीन के अंदर गड्ढा कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें कुछ छुपा के नहीं रखेंगे, उसमें से निकाल के ले आएंगे बाहर। हमारे जंगल इस तरह से ख़राब हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास नए नए औजार हैं उनको काटने के लिए। जंगल ख़त्म कर रहे हैं रातों रात। आप कितने एकड़ की ज़मीन काट सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास अच्छी बंदूकी हैं जिनसे हम अच्छे दुर्लभ जानवरों का शिकार करते हैं। हमारे पास में सीमेंट, लोहा है जिससे हम हमारी नदियों को रोक रहे हैं, तो वो सब आपदा वगैरह आएंगी इससे। बिल्कुल, तो ये सारे कंसर्न तो हैं ही। मतलब हमारा समाज जो है वो पुराने, हम कह रहे हैं कि हम भारत के हैं, प्राचीन भारत, भरत मुनि का देश है, बादशाहन का देश है, इनका देश है, उनका देश है, सारे गुरु लोग हैं, मास्टर लोग यहाँ हुए हैं, गणित शून्य का आविष्कार यहाँ हुआ है, लेकिन हम उससे गिनती नहीं कर पा रहे। हम अभी शून्य से भी नीचे जा चुके हैं। सही बात। मतलब पहले के समय में भारत को एक बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता था। अब जो खबरें पहुंचती हैं बाहर कि यहाँ पर फलाने का रेप हो गया और ये एसिड अटैक हो गया और ये करप्शन हो गया, वो बिल्डिंग गिर गई, वो पुल गिर गया, तो अभी अच्छी खबरें नहीं जा पा रही, जबकि हमारे पास स्किल है। स्किल कुम्हारों की देखिए आप, कुम्हारों की हालत ख़राब है। आप अगर देखें तो क्राफ्ट म्यूज़ियम को जो दिल्ली में बनाया गया था, इसका बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन आज क्राफ्ट म्यूज़ियम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इस तरह के क्राफ्ट म्यूज़ियम मुझे लगता है हर स्टेट में होना चाहिए, हर स्टेट का, हर शहर में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। बिल्कुल, शहर में कोई ना कोई बिल्कुल पीपल, क्राफ्ट पीपल हैं। बिल्कुल, कई जगह जाएंगे आप जहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र बनाते लोग हैं। बिल्कुल, ढोलक बनाता होगा, बिल्कुल कुम्हार है तो कुछ पॉट्स बनाता होगा, बिल्कुल कुछ कागज़ की बाइंडिंग करते होंगे, पेपर मेकिंग करते होंगे। बिल्कुल, इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सबका होना चाहिए। बिल्कुल प्रिजर्व करना चाहिए और म्यूजियम्स बनने चाहिए, उनके बारे में अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ऑडियो विजुअल होना चाहिए ताकि लोगों तक पहुँचे, लोग भी वहाँ आएँ। और हर म्यूजियम में रुकने की व्यवस्था भी होना चाहिए ताकि आदमी दूर से अगर ट्रैवल कर, अच्छा आप चाहते हैं कि वहाँ पे कोई गेस्ट गेस्ट रूम भी हो और पूरे अच्छे से म्यूजियम देखे, वो उसको फ़ोटो लेने की भी छूट होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि म्यूजियम में आप जैसे घुसते हैं ऐसा लगता है कि किसी कैद खाने में आ गए, ये ना करो, फोटो यहाँ रखो, वो करो। बताइए, जब तक आपका कनेक्शन नहीं बनेगा जी तो प्रेम कैसे बनेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। वो उस पर सोचना चाहिए। हमारे यहाँ हैं अच्छे अच्छे पॉलिसी मेकर, वो सोचेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और है कि जैसे हमारे यहाँ पे आर्ट फेयर्स होते हैं, अलग अलग बिनाले शुरू हुए हैं। आर्ट फेयर्स और आर्ट बिनाले में आर्टिस्टों का पार्टिसिपेशन कितना इम्पोर्टेंट है? क्या हर आर्टिस्ट को जगह, तो बहुत कम आर्टिस्ट यहाँ पे जा पाते हैं, बहुत कम आर्टिस्ट ये करते हैं, लेकिन क्या ये आर्ट फेयर या आर्ट बिनाले क्या आर्ट को वाकई में प्रमोट करने में किसी तरह से मदद करते हैं? जैसे दिल्ली आर्ट फेयर है, इंडिया आर्ट फेयर है दिल्ली में, क्या ये मदद कर पाते हैं किसी को कि डू दे हेल्प इन एनी वे टू प्रमोट आर्ट, और इज जस्ट अ काइंड ऑफ ए गिमिक, और इज जस्ट अ काइंड ऑफ ए इवेंट टू अर्न मनी? किसी भी तरह का आर्ट का इवेंट या कोई समारोह, भले ही वो निजी संस्था द्वारा किया जा रहा हो या सरकारी संस्था द्वारा किया जा रहा हो जी, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि कम से कम ऐसे समय में जहाँ हमारे समाज में कला की जगह बहुत ही छोटी बची है, कोई एक भव्य लेवल पर कोई कला समारोह हो रहा है तो ये अच्छा संकेत है। अब ये अलग बात है कि वो किस मंशा से किया जा रहा है, क्या उनका टारगेट है या किस तरह के कला को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुल मिला के कला और कलाकारों का तो भला होगा ही। ओके, ओके, थैंक यू। सिराज जी, टेल मी वन थिंग, What is the role of art activism? Do you believe that art can bring any kind of change to this society? And what role does art activism plays? Like आज के दौर पे हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट आप खुद भी किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं किसी न किसी एक्टिविज़म में। तो क्या आर्ट एक्टिविज़म आर्ट का कोई पार्ट रहता है जहाँ पे हम आर्ट एक्टिविज़म करके कोई चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटी में? एंड नाउ आर्ट इज़ प्लेइंग ए मेजर रोल इन इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट सर्टेन थिंग्स, चाहे वो किसानों के मुद्दे पे हो या निर्भया पे जो रेप का हुआ था उस पे हो, बहुत सारी चीज़ों पे आर्ट के ज़रिए लोग बात करते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्ट एक्टिविज़म? आर्ट एक्टिविज़म दिस वर्ड केम टू, आपका कहाँ से शुरू हुआ था? हाउ यू आर बीइंग, आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट in 1999, okay, when that time I was in Bhopal, okay, and there was a big and long protest happening at the New Market is like a Connaught Place in Bhopal, okay, so New Market is the main centrally located place, okay, and there are many hundreds of villagers from the villages located at the bank of river Narmada. So I used to do cycling that time in Bhopal. Okay. So early morning when I used to come back, one day I stopped there and I just asked one fellow that why these villagers are here and what they demand and what they are fighting for. So I met one activist friend of mine. Okay. Mr. Rakesh Diwan, okay, and he introduced me to Alok Agrawal, okay, and they were both very actively member that time and working for NBA Narmada Bachao Andolan. Narmada Bachao Andolan, okay. And then उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये है वो है, तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं, थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, okay, उस वक्त मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने उनको कहा, ये कॉलेज के दौरान था आपके? कॉलेज खत्म हुआ ही था उस, अच्छा अच्छा, ओके। फिर उन्होंने कहा कि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो लेट्स प्लान यूर ट्रिप, आप एक बार आइए वहाँ और फिर हम आप वहाँ देखिए कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे होगा ये। तो इंदौर में था मैं और ये इंदौर से थोड़ा नज़दीक ही है नर्मदा नदी, ओके ओके। तो हम लोगों ने, मैं और मेरे कुछ दो तीन और चित्रकार मित्र, नवनीत महात्रे और मेरे दो तीन और चित्रकार मित्र थे, हम लोगों ने एक साइकिल रैली प्लान की। ओके। हमारा उद्देश्य ये था बतौर कलाकार कि यार इस मुद्दे को कितना समझ पाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम नर्मदा का सौंदर्य तो देख पाएंगे आसपास। दैट वाज आवर मेन इंटरेस्ट। ओके। तो हम लोग इंदौर से ओमकारेश्वर तक गए। ओमकारेश्वर में हमें नर्मदा बचाओ आंदोलन की ग्रामीण टीम ने होस्ट किया और हमारा सारा स्टे, सारा फूड एनबीए के विलेजेस में स्पॉन्सर्ड था। हमें सिर्फ अपनी साइकिल लेकर जाना था, खाना, अच्छा, पीना, रहना, दाल बाटी, गांव में होता है, हाँ, चलता गया, हाँ, और कहाँ नेक्स्ट गांव में रुकना है वो सब वही तय करते थे, अच्छा, कि कितना किलोमीटर हम साइकिल चला पाएंगे जी। तो इस तरह से मैंने पूरा निमाड़ का एरिया, उस नर्मदा के उस अंचल को निमाड़ कहते हैं। निमाड़, ओके, निमाड़। तो निमाड़ का वो बहुत सारे गाँव में हम गए और एक गाँव है वहाँ पथराड़, वो गाँव बड़ा ही आदर्श गांव की तरह था, बहुत पक्की सड़कें थीं और उसमें ट्रैक्टर भी आ जा सकता था और बहुत ही पाटीदारों का गांव था, बड़े संपन्न किसान वहाँ कर जी। तो वहाँ पर हमें उस एनबीए के आंदोलन के और उस पथराड़ गांव जो डूब में आने वाला था, हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में बताया गया और बहुत ही सुंदर नर्मदा का किनारा था। तो हम चारों लोगों ने सोचा कि यार हम लोगों को कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमने वहाँ पर नावें देखी थी, नाव में पाल लगी होती थी, सेल्स, सेल्स बोर्ड, ओके। तो वो एक कैनवास की तरह था, वाइट कलर। तो वी डिसाइडेड दैट लेट्स गो बैक, कम बैक विद आवर मोर पेंटर फ्रेंड, ओके, एंड वी विल पेंट ऑल दीज सेल्स, ओके। तो ऐसे ही एक सिंपल से पोस्ट कार्ड्स जो उस वक्त 25 पैसे का आता था, भोपाल आकर मैंने अपने दोस्तों को पोस्ट कार्ड्स लिखे, हमारे कुछ सीनियर आर्टिस्ट फ्रेंड्स ने थोड़ा सहयोग किया। साल क्या होगा, कौन सा ईयर की बात कर रहे हैं? 99, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस पोस्ट कार्ड से हम लोगों ने 75 आर्टिस्टों को इनवाइट किया, ओके, फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, फ्रॉम गुवाहाटी टिल मुंबई, ओके, और उदयपुर से, महाराष्ट्र से और इंदौर, भोपाल और आर्ट स्टूडेंट्स की हमारी पूरी टीम थी वॉलेंटियर्स की। किसी ने हमें कलर स्पॉन्सर कर दिए, किसी ने ब्रश स्पॉन्सर कर दिए, किसी ने टी शर्ट स्पॉन्सर कर दी और रहना खाना हमारा सारा गाँव की तरफ से था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी ने कम से कम अबाउट 100 सेल्स पेंट की हम सब लोग। जब वो बह के जा रही है बोट में तो बहुत बढ़िया, तो मतलब उसका कहना ही जबरदस्त। क्या उसमें कोई मैसेजेस भी आपने दिए थे जो सेल्स में, क्या आपने कोई मैसेजेस भी लिखे थे उसमें? हाँ, फिर हमें वो बात समझ में आने लगी थी। हाँ हाँ हाँ। कि नर्मदा या और भी कोई दूसरी नदियाँ हों, उनको अपने मुसलसल बेहतर रहना ही देना चाहिए जी, मनुष्य को उसकी गति में बाधा तो नहीं। बोट में जो सेल्स में कोई मैसेजेस भी लिखे थे आपने? हाँ, कुछ मैसेज भी लिखे तो वो मतलब बह रहे हैं तो फिर वो गांव के लोग देख भी रहे हैं। इट्स आवर विलेज, इट्स आवर, तो फिर वो गांव के लोग देख भी रहे हैं उस चीज़ को। हाँ, बहते हुए जा रहे हैं और गाँव के लोग बोट को देख भी रहे हैं। तो इससे काइंड ऑफ ए मोबाइल कैंपेन, इससे काइंड ऑफ ए मोबाइल कैंपेन। इट्स अ गुड आर्ट वर्कशॉप, यस, of more than 75 artists from all over the country. बिल्कुल। एंड उसको BBC वगैरह ने भी कवर किया था हमारे उसी पे। अरे वाह। और उस वक्त एक ही चैनल हुआ करता था स्टार प्लस, तो वो लोग भी आए थे। अब जब वहाँ आया तो फिर लोकल सारा मीडिया भी आ गया। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। उसकी वजह से फिर काफ़ी हमारा आर्टिस्टों का सपोर्ट हो गया था। NBA की बात हमने समझी थी और स्टिल आई बिलीव दैट रिवर शुड बी अनटच्ड एंड दे शुड फ्लो जी तबे दे आर। और फिर मैंने ये भी स्टडी किया कि जो बांध बनाए जाते हैं, बांध बनाने के पहले ये कहा जाता है, क्या प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये आउटपुट होगा, इतनी बिजली आ जाएगी, इतनी सिंचाई हो जाएगी, इतना वो हो जाएगा जी। तो आप पिछले 30 साल के या 50 साल के बांधों का के डाटा देखिए। हाँ। बनाने के पहले उन्होंने क्या कमिट किया था और बनाने के बाद जो है क्या दे रहे हैं आउटपुट, आप देखेंगे कि जो कहते हैं उससे शायद 20% भी फुलफिल नहीं होता है। लेकिन एक गांव उजड़ जाता है, पूरा जंगल उजड़ जाता है। हराजी एक बहुत ही अच्छी प्राकृतिक जगह नर्मदा के किनारे, बहुत सुंदर पवित्र स्थान था, वो डूब गया है। और उसके अलावा हरसूद एक पूरा शहर था, वो डूब चुका है। और जबलपुर के पास में जो बरगी डैम बना था नर्मदा के किनारे, उसमें भी पूरा कितने पुराने मंदिर, उपयोगी जमीन, नर्मदा के किनारे की जमीन, तो हजारों लाखों में लोगों को। हाँ, सारे लाखों घर लोग बेघर हुए थे और उनको फिर कुछ मुआवजा देकर बसाने की कोशिश की। सरकार ने कहा कि आप यहाँ ज़मीन ले लीजिए, वो ज़मीन खेती के लायक नहीं थी, कुछ लोगों को नहीं मिली और वो बड़ा एक मुश्किल दौर था उन लोगों के लिए। और शहर तक ये बात उतनी नहीं पहुंच पाती है जी, गाँव के लोग। अब आज भी जबलपुर में आप जाएंगे तो जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, आप अगर किसी से पूछेंगे तो वो बताएगा कि अब मेरा गांव, मेरी ज़मीन, तो आज वो रिक्शा चला रहा है, ज़मीन में डूब चुकी थी, पानी में डूबी है और मैं यहाँ पर आज वो रिक्शा चला रहा है। नहीं तो पहले वो खेती करता था, पहले किसान था। तो ये चीज़ें जानना पक्ष है बिल्कुल। ये आर्टिस्ट का जो जुड़ना है, व्हेन द आर्टिस्ट इज़ ऑल्सो यू नो क्लोज टू द लैंड एंड टू द रियलिटी, वो बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक जगह बैठ के, दूर से बैठ के चीज़ों को बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आर्टिस्ट एक समाज के पार्ट है। सो आपसे ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह ये समझ आ रहा है। उसी तरह मैं छाँव फाउंडेशन से भी उसी तरह जुड़ा हूँ। ओके, छाँव फाउंडेशन एक आलोक दीक्षित हैं हमारे मित्र, उनकी संस्था है जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, उनको रीइस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि जब एसिड अटैक होता है किसी लड़की के ऊपर जी, वो अधिकतर वो एक जो विफल प्रेमी होता है वो अपनी मायूसी के लिए वो उसके चेहरे पर एसिड डालता है और उसके वो तो चला जाता है, वो उसको सजा भी हो जाती है या जो भी हो जाता है, वो अपना एक्ट करता है, उसको फिर कानून के द्वारा सजा मिलती है बिल्कुल। लेकिन एक पूरा एक शरीर, किसी की आँख डैमेज हो गई, किसी के लिप्स डैमेज हो गए, वो जो एक स्थायी नुकसान होता है वो उसके लिए हमारे समाज में कोई रिग्रेट या कोई जगह नहीं है। क्या आर्ट उसमें सर्वाइवर्स की कितनी मुश्किलें होती हैं। तो कई लोगों के पति छोड़ देते हैं, कई लोगों के विवाह नहीं हो पाते हैं, कई लड़कियां ऐसी जिनके माता पिता उनको रखने को तैयार नहीं होते। डू यू थिंक दैट आर्ट कैन इंटरवेन? क्या आर्ट का एक इंटरवेंशन हो सकता है इसमें? नहीं, तो उसमें ये कोशिश की है कि हम लोगों ने कुछ कोशिश की थी कि उनको कुछ आर्ट की या क्राफ्ट की स्किल्स सिखाई जाए। ओके, जैसे स्टिचिंग, वीविंग, कुकिंग, ताकि वो अपना एक सेल्फ डिपेंड हो सकें। और ये शिरोज़ हैंगआउट के नाम से हमारे आलोक दीक्षित ने शुरू भी किया था। उन्होंने कैफ़ेज़ बनाए थे। पहला कैफ़े आगरा में बनाया था, शिरोज़ हैंगआउट। आप जब भी आगरा जाएं ज़रूर जाइएगा। किस नाम से? शिरोज़ हैंगआउट। शिरोज़ हैंगआउट, ओके। तो हीरोज़ होते थे, तो ये शिरोज़ हैं। अच्छा, शिरोज़। दे आर फाइटर, दे आर फाइटिंग, दे आर ऑल द एसिड अटैक विक्टिम्स। उन्होंने अपने जीवन में मायूसी नहीं लेकर आए। दे ऑल द गर्ल्स स्टिल हैव फेथ एंड जबरदस्त उत्साह and confidence for the life, and only those girls are only working over there. वही काम करते हैं, they work and they serve and they run the cafe, Shiroz Hangout। उसी तरह से लखनऊ में भी है और इस तरह से काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रही हैं। तो एज एन आर्टिस्ट व्हाट आई कैन डू, आई ट्राई टू डू बहुत बहुत। दूसरा सर्जन एक संकल्प, एक इटावा के पास में एक बहुत बड़ा एक NGO है जिन्होंने 3000 बच्चों को अडॉप्ट किया है। ओके, और वो बच्चों को डिजिटली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उनकी एक व्हीकल है जिस पे स्प्रिंग लगी हुई है, वो व्हीकल गांव में जाता है जी, और वहाँ पर सब बच्चे इकट्ठे होते हैं जी, और उस पर कोई एक टीचर कहीं और बैठा हुआ उस स्क्रीन पर उनको पढ़ाता है। अरे वाह, और उनको बड़ा मज़ा आता है, उनको लगता बिल्कुल, है फिल्म देख रहे हैं और वो बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं बिल्कुल। तो उस तरह का भी अभी पैंडमिक में मैं सब उन गाँव में जा कर के कुछ उनसे आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग के लिए जाने का विचार था, लेकिन अब थोड़ा जैसे खुलता है जी, तो उन सब बच्चों के साथ जाएंगे। और वहाँ पर मेरा विचार है कि बच्चों के साथ मिलकर एक वहीं गांव में ही, चंबल के किनारे या किसी नदी के किनारे या किले पर एक पब्लिक आर्ट वर्क बनाए। अरे वाह, ताकि उस गांव की भी एक पहचान बने बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को भी लगे कि ये हमारा बनाया हुआ है। और बच्चों से आप कोई काम करवाएंगे तो वो काम सुरक्षित भी रहता है, वो डैमेज नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस तरह से कई सारे करने का अगर मन हो, मंशा हो, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं बतौर आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट। और हमारे पास में हमारी विजुअल लैंग्वेज है, लेकिन कभी ज़रूरत होती है तो मुंह से भी बोलना चाहिए कलाकार। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी आपसे हम बात करेंगे सिरेमिक्स पे जी, लेकिन आपकी जो पेंटिंग की जो जर्नी है हम उसको यहीं समाप्त करते हैं। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट योर जर्नी इन सिरेमिक वर्ल्ड। परफेक्ट।